हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहमिना कुकिंग। तो आज हमें अपन के खूब सहजे निमकी तैरी कर देखा। तो चलो देखे नहीं क्यों तैरी। तो वीडियो देखा शुरूते प्लिज एक लाइक दिए वीडियो देखा शुरू करबें और हमार चैनल एखो जरा सबसक्राइब करें ना प्लिज सबसक्राइब कर पाशे थका बेल आइकन चाप दिए दीबें तो परवर्ती वीडियो अपलोड देव मात्र पे जा सबसक्राइब कर तक असंख्य असंख्य धन्यवाद। तो निमकी तैरी करें दी कप परमाणे मयदा नहीं एखन एटाते स्वाद अनुजाई लवण दिए दीची और साथ ही चीनी दिए दीब एक चामच परिमाणे और हाफ चामच परिमाणे दिए दिलाम कालो जीरा। तो कालो जीराटा दिले निमकीटाते एक भालो सेंट आसे। तो एखन सब उपकरण एकसाथे भालोभावे मिशिए निये एखन एटाते तीन टेबिल चामच परिमाणे तेल दिए दिलाम। तो तेलटा दिए मयदाटार साथे एकदम भालोभावे माखिए निब। तो एटा एकदम भालोभावे मैंने हाथ दिए एक समय नहीं ये कषे कषे यहाँ मयदाटार साथ तेलटा माखाते हो। तो हमारे मयदाटा तेलटा एकसाथे भलोभ माखानो गए। तो ये अपना देखे बुझते पर नॉर्मल तापमात्रा पानी दिए एक सॉफ्ट एक डो तैरी कर। तो पानी एक बार दीते जा अल्प अल्प कर पानी दिए यार एक डो तैरी। तो हमारे डोटा तैरी गए। तो ये डोटा एकदम बेसि शक्त होना आर एकदम बेसि नरमो होना। तो एखन ये डाकना दिए डेके ये 15 मिनट रेस्टे रेखे दीब। तो 15 मिनट पर एगो दिए निमकी तैरी। तो 15 मिनट पर डाकनाटा उठिए ये मयदाटार मिश्रणटा भालोभावे एक माखिए निब। तो ये जो भालोभावे हाथ दिए ये माने माखानो है तत ये खेते बेसि भालो लागे। तो एखन एगुलो दिए छोटो छोटो कर लेची केटे निच्छि। तो लेची केटे एखन एगुलो दिए प्रत्येकटा दिए रुटिर मतन करे बेले निब। तो एटा एकदम पतला करे बेले निते होबे। तो आमार एकटा बेला हये गेछे आर एटा जत पतला करे बेला जाय ततई एटा भालो हय। तो एखन आमि एटा बेले एटा प्रथमे आमि दुई बास करे निएछि जेटा आपनारा देखे बुझते पारछेन। एखन एटाके आमि आरेकटा बास दिएछि। तो बास दिए आमि साइडगुलो एकटु हात दिए एकटु हालकाभावे लागिए निएछि। एखन एकटा काटा चामचेर साहाज्ये एकटू दाग केटे निच्छि। तो आमार एकटा निमकी तैरी करा हये गेछे आमि आरेकटा आपनादेरके बानिये देखाच्छि। तो एटा आमि प्रथमे दुई बास दिए निब तारपरे आमि एटाके आरेकटा बांगा दिए निब। तो एखन आमि काटा चामचेर साहाज्ये एकटू छिद्र करे निच्छि। तो এভাবে করে আমি সবগুলো নিমকি তৈরি করে তারপর আমি বেজে নিব। তো আমার নিমকিগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলো বেজে নিব। তো বাজার জন্য আমি চুলায় একটা প্যানের মধ্যে আগে থেকে তেল গরম হতে দিয়েছি। এখন তেলটা মানে হালকা গরম হওয়ার পরে এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো দিয়ে এগুলো চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে এগুলো একটু সময় নিয়ে বাজতে হবে। তো নিমকিটা বাজতে একটু সময় লাগে। তো এগুলো দেওয়ার পরে এক সাইড হওয়ার পরে এগুলো আমি উল্টিয়ে দিব। তো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি কালার আশা পর্যন্ত বেজে নিব। তো অবশ্যই এটা চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে এই নিমকিগুলো বাজতে হবে, না হয় উপর দিক দিয়ে কালার চলে আসবে, ভিতর দিক দিয়ে হবে না। তো এই নিমকিটা মানে কয়েকদিন পর্যন্ত একদম মসমসে থাকে। তো হয়ে গেল আমার আজকের নিমকি রেসিপি। আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।